गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 9 इंटरनेट सर्विसेज। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, सेंडिंग ईमेल्स, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इमोटिकॉन्स एंड नेगेटिव्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, पार्ट फर्स्ट, इस लेसन के पार्ट फर्स्ट में हमें ये सारे कंटेंट को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? यू नो इंटरनेट इज ए यूजफुल टूल टू अस इन मेनी वेज, लाइक share views, send emails, play games, search information, do shopping, book tickets and so many other parts. Many other parts done by internet. इंटरनेट के द्वारा हम ये सारे वर्क्स को, ईमेल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड कर सकते हैं, मीन्स मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल्स के द्वारा सेंड कर सकते हैं, गेम को खेल सकते हैं और इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं और भी बहुत सारे, और शॉपिंग को कर सकते हैं और भी, ये नेट इंटरनेट के माध्यम से हम लोग वर्क को कर सकते हैं। हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट? इंटरनेट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट आर ए कंप्यूटर आर सिंपली। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। वॉट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज ए नेटवर्क विच इज यूज टू कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर इन ऑल ओवर वर्ल्ड और वी शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन, मॉडम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा जो है हम इंटरनेट को एक दूसरे से, कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं। मीन्स द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ए मॉडम, जैसा मैंने बताया, मॉडम मीन्स मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर एंड एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक ISP, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मॉडम क्या है? मॉडम इट मीन्स मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इज ए डिवाइस दैट अलाउज वन कंप्यूटर टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है मॉडम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉडम। इंटरनल मॉडल फिटेड इन साइड द CPU एंड एक्सटर्नल मॉडल फिटेड आउटसाइड द CPU एंड द ISP इज ए कंपनी विच अलाउज और विच प्रोवाइड अस टू कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट एंड चेंजेस फीस फॉर आवर यूजर्स। फॉर सम कंपनीज लाइक BSNL, Airtel, Vodafone एंड अदर बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जिसके द्वारा जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है। देर आर न्यूमरस वेज टू कनेक्ट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन टॉप, मोबाइल फोन एंड गेमिंग कंसोल्स एंड दिस इज द ई-रीडर्स, टेबल्स टू द इंटरनेट। द टू मेन टेक्निक्स मोस्ट widely used for dial-up connections and broadband connections. Dial-up connection के द्वारा और broadband के द्वारा जो है इसको हम लोग easily way में connect करते हैं। First of all, dial-up connection. Dial-up connection uses a telephone line to connect a computer to the internet. ये telephone के द्वारा जो है, एक telephone line के द्वारा connect करके हम एक दूसरे को, कंप्यूटर को,
इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं। इट रिक्वायर्स ए मॉडम, इसमें हमें मॉडम की जरूरत पड़ती है। सेटअप द कनेक्शन, कनेक्शन को सेटअप करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन के द्वारा मॉडम की जरूरत पड़ती है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन डज नॉट परमिटेड यूजर टू मेक द रिसीव फोन्स कॉल्स थ्रू द टेलीफोन डिवाइस व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट लाइक दैट। ये आप देखिए, यहां पर आप यहां आपका इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसा कि मैंने बताया BSNL, मात्रा लाइन, MTNL, इसके द्वारा ये टेलीफोन लाइन है। इस टेलीफोन लाइन के द्वारा जो है ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, उसके कनेक्ट होने के बाद मॉडम से कनेक्ट करते हैं, मॉडम को CPU से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम इसको एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से हमारा कंप्यूटर ये नेटवर्क में काम करता है। सेकेंड थिंग है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूजेस हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज, ये काफी हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज है, सच एज डिजिटल सब्सक्राइबर, मीन्स इसको हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मीन्स DSL जिसे बोलते हैं, केबल मॉडम्स, वायरलेस एंड सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन। ये वायरलेस बिना वायर का और सैटेलाइट्स के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का काम, इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम करता है एक दूसरे कंप्यूटर को। एंड दिस कनेक्शन इज रिलेबल द फर्स्ट इन स्पीड्स, वायरलेस इंटरनेट और वायरलेस ब्रॉडबैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन टाइप्स। दिस कनेक्शन यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ऑफर ए वेरी हाई स्पीड। ये जो वायरलेस हमारा इंटरनेट है और इसको हम लोग बोल सकते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रॉडबैंड। ये वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है वो काफी पॉपुलर ब्रॉडबैंड है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह से, रेडियो के फ्रीक्वेंसी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ऑफर ए वेरी हाई स्पीड्स, ये काफी स्पीड्स में वर्क करता है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्क करता है। द वायरलेस इंटरनेट कनेक्टेड कैन ऑप्टेन द आइदर वाईफाई और ब्लूटूथ, वाईफाई और ब्लूटूथ के द्वारा इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दैट। जैसे आपका यहां देखिए ये सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स के माध्यम से ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यहां पे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्या किया, ये यहां जो आप देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर का CPU जो है ये मॉडम के द्वारा कनेक्ट हुआ, ये सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ, जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसा मैंने नाम दो तीन का बताया आपको, और ये सैटेलाइट से कनेक्ट होकर के ये फिर जो है इंटरनेट को कनेक्ट कर देता है, मीन्स वायर वेव और सैटेलाइट के माध्यम से एक दूसरे कंप्यूटर को ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हेडिंग है सेंडिंग इमेज, सेंडिंग इमेज मीन्स वी कैन सेंड ए मैसेज इन ऑल ओवर वर्ल्ड थ्रू ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। और हम जनरली बोल सकते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है दो नंबर, व्हाट डू यू नो अबाउट ईमेल्स और व्हाट इज ईमेल्स, मीन्स ईमेल इज ए मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। देयर आर मेनी वेबसाइट्स विद पीपल द दिस फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल एक्सेट्रा। ईमेल इज द फास्टर देन द ओल्ड ट्रेडिशनल मेल्स, इट हैज मेनी एडवांटेज सच एज लाइक क्विक डिलीवरी एंड रिप्लाई टू द मैसेज कन्वेंस टू यूजर्स, सम मैसेज कैन बी सेंड इन ए ग्रुप, मीन्स देर आर डिफरेंट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ईमेल। हम लोग ईमेल के द्वारा डिफरेंट वर्क को कर सकते हैं, मैसेज को आसानी से भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और किसी भी एक दूसरे से यदि आपको चैटिंग करना है तो आसानी से कर सकते हैं,
documents or images, video, audio, graphics, text, yeah, everything or any types के मैसेज को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल के द्वारा, ईमेल आईडी के द्वारा भेजते हैं, उसके ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम, यूजर नेम आपका क्या है, @ देन gmail.com आप यूजर नेम देंगे, आप कुछ भी यूजर नेम दे सकते हैं, और उसके बाद @ देंगे, फिर उसके बाद gmail.com देंगे, आपका वही जो है ईमेल आएगा। इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इमोटिकॉन्स एंड नेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्रोनिम्स है, एक्रोनिम्स आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज टू ऑन द इंटरनेट व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद समवन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जो ये शॉर्ट फॉर्म है एक्रोनिम्स। सम कॉमन एक्रोनिम्स आर BT, WB, 4N, FY, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्रोनिम्स लाइक BT, WB, 4N, FY, OMG, 2, Q, T, TC, THS, UR, LO, L, and UT, this is the different types of acronyms. Emoticons kya hai? It is derived from the word emoticons and icons. And emoticons is a representation of an emotion using punctuation marks, numbers or letters. Nowadays the pictorial emoticons are more popular. These graphic emoticons are also called emojis. इसको हम लोग emojis के नाम से जानते हैं। So popular emoticons like that. ये देखिए आप लोग, ये different emoticons हैं। आप लोग फिगर लगाते हैं, आप WhatsApp करते हैं, और भी मैसेज को जब सेंड करते हैं तो ये laughing, sad, ringing, sticking to tongues, ये सारे स्टिकर्स को आप लगाते हैं, तो ये जो है ये आपको इमोजी, इसको हम लोग इसको इमोजी के नाम से जानते हैं। तो मीन्स लॉफी का इमोजी ये है, सैड का ये है, ये डिफरेंट इमोजी है जो कि हम लोग एक टैग के रूप में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेटिव, सो लाइक दैट नेटिव मीन्स एथिकल ऑफ द इंटरनेट, means there, these are the guidelines, these are guidelines of behavior, oh behavior, उसके behavior को guideline का काम करता है, while using the internet, जब हम internet का use करते हैं, तो ये जो netiquette है, netiquette, इसके द्वारा हम जो है, किसी को यदि message को send करते हैं, तो इसके द्वारा जो भी हम tag करते हैं, वो उसके behavior को देखते हुए tag करते हैं। So do not give the information about yourself or your family or any of the internet. Do not meet anyone to meet online without your parents' permission. Do not give your password to any of the internet. Some common negatives are. ये कुछ common negatives हैं, और भी बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, like that being the responsible negligence, social networking. ये सारे जो है आप नेटिट्यूड्स के अंदर ये सब दिया हुआ है, जिसको आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो भी मैंने आपको दिया है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो मींस नेक्स्ट पार्ट में आपको हम जो है फीचर ऑफ सोशल नेटवर्किंग के बारे में बताएंगे कि जो सोशल नेटवर्किंग है उसके फीचर्स क्या है इस इंटरनेट में, वो मैं आपको